चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने पढ़ लिया था पिछले मैंने पढ़ा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछता है ग्रोथ हार्मोन किसे किसे कहा जाता है, तो सोमेटोसोसिस हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है, या सोमेटोसिस हार्मोन कहा जाता है, सोमेटोसिस हार्मोन कहा जाता है, या वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हार्मोन जो होता है क्या करता है, ये जो होता है मनुष्यों में ये क्या करता है, हार्ट प्रदान करता है, क्या करता है, हार्ट प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट प्रदान करता है मनुष्यों में, क्या करता है, ये हार्ट प्रदान करता है, हार्ट प्रदान करता है, हार्ट प्रदान करना, इसका काम क्या है, हार्ट प्रदान करना। दूसरा चीज ये देखिए, इसके ज्यादा श्रवण मतलब ज्यादा स्रवित होने से, इसके ज्यादा स्रवित हाइपोसेशन होने से, हाइपोसेक्रेशन होने से, हाइपोसेक्रेशन मतलब ज्यादा होने से, ज्यादा होने पर ये क्या करता है, देखिए ज्यादा होने पर क्या हो जाता है, सेक्रेशन मतलब कम, ज्यादा होने पर इसका आदमी लंबा हो जाता है, इसका सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन्स जो है, सोमेटोसिस हार्मोन्स जो है, अगर ज्यादा स्रवित हो जाता है किसी व्यक्ति में तो वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और जिसमें कम हार्मोन सेक्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, बौना हो जाता है, ठीक है। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि वो कौन सा हार्मोन है जिसके ज्यादा स्रवित होने से क्या होता है, आदमी लंबा हो जाता है, तो आप क्या बताइएगा, ग्रोथ हार्मोन बताइएगा, सोमेटोसिस हार्मोन कहिएगा, क्या कीजिएगा, सोमेटोसिस हार्मोन कहिएगा, ठीक है, सोमेटोसिस हार्मोन, ठीक है। सोमेटोसिस हार्मोन के ज्यादा स्रवण होने से आदमी क्या हो जाता है, उसका हार्ट लंबा हो जाता है, कम स्रवित होने से क्या होता है, बौना हो जाता है, ठीक है। अब इस ये जो है इसमें बस इतना ही जानना है कि कौन सा हार्मोन है जिसमें जिसमें क्या होता है, ज्यादा स्रवित होने से क्या हो जाता है, आदमी लंबा हो जाता है और बौना हो जाता है, बस इतना ही पढ़ना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा यहां पे लिख देते हैं, ज्यादा स्रवित होने से, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि ज्यादा स्रवित होने से ज्यादा होने पर लंबा और कम होने पर बौना, ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में सोमेटोसिस हार्मोन जो है इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसीटीएच हार्मोन क्या होता है, एसीटीएच, ठीक है, एसीटीएच हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम इसके फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एसीटीएच हार्मोन्स जो होता है, एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एक बार और सुनिए, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन पूछ लेता है एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है एसीटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, किशोरावस्था प्रबर्टी ईयर्स में क्या होता है, ये निकलता है और ये क्या करता है, आपके शरीर में बदलाव, जैसे आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, जब इंसान आता है तो बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं उसके बॉडी में, तो जैसे हेयर निकल आना, बहुत सारे आपको क्या क्या बताया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एसीटीएच हार्मोन जो होता है ये किशोरावस्था में निकलता है, ठीक है, किशोरावस्था, ये किशोरावस्था वाला हार्मोन्स होता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये हार्मोन्स कब स्रावित होने लगता है, किशोरावस्था में, ये क्या होता है किशोरावस्था में, ये क्या करता है, स्रावित होने लगता है, ठीक है। ये क्या करता है, विकास करता है अधिवृक्क को, क्या करता है, विकास करता है, ठीक है। जैसे किशोरावस्था में फीमेल में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे बॉयज में होते हैं बहुत सारे परिवर्तन, मूंछ दाढ़ी आ जाता है, ठीक है, उसके बाद गला जो होता है मतलब
भारी हो जाता है, आवाज जो होता है भारी हो जाता है, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन आवाज जो होता है पतला पतले रहता है, और शरीर में भी बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर या फिर उसके बनावट में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एसीटीएच हार्मोन जो होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, किशोरा अवस्था में ज्यादातर निकलते हैं, ये स्रावित होने लगते हैं किशोरा अवस्था में, अधिवृक्क को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है एलटीएच हार्मोन। ठीक है, क्या पढ़ना है, एलटीएच हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट जो पढ़ना है सी ये हो गया, और ये नेक्स्ट डी पढ़ना है। ठीक है, एलटीएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चीज कि हम जानेंगे कि एलटीएच हार्मोन क्या होता है। ठीक है, ये होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको कहते हैं एलटीएच को, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये देखिए, ज्यादातर ये क्या करता है कि स्त्रियों में, ये क्या करता है स्त्रियों में, ये क्या करता है स्त्रियों में, स्त्रियों में दूध श्रवण करने में, यानी दूध उत्पन्न करने में, मतलब दूध उत्पन्न करने वाला हार्मोन होता है। ये क्या करता है, दूध स्त्रियों में दुग्ध उत्पन्न करने वाला, दुग्ध उत्पन्न उत्पन्न करने वाला हार्मोन, ये क्या करता है, बेसिकली लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है, एलटीएच हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है आपको कि स्त्रियों में ये क्या करता है, दूध को स्रवित करता है। ठीक है, दूध को स्रवित होने का ये बढ़ावा करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है किसका पार्ट, मतलब कहां इसका लोकेशन क्या है, ब्रेन है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का ये है, मैंने सब पार्ट्स मैंने लिखा है। ठीक है, ए मैंने लिखाया था आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, सोमोटोसिस हार्मोन जिसको कहा जाता है, ये हार्ट प्रदान करता है, इसके ज्यादा सेक्रेशन से आदमी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और कम सेक्रेशन से क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। दूसरा एसीटीएच हार्मोन मैंने बताया, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये होता है, ये क्या करता है किशोरा अवस्था में निकलता है, किशोरा अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं इंसान में। ठीक, दूसरा मैंने पढ़ाया आपको एलटीएच हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन इसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये जो होता है मेनली स्त्रियों में निकलता है, जो दूध को श्रवण करने के लिए प्रेरित करता है ये हार्मोन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।